असलकुम मेरा नाम है नाजिया और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ मौलाना मुफ्ती सलमान अज़ारी के बयान पर जिसका टॉपिक है रमज़ान के रोज़े क्यों फ़र्ज किए गए हैं तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा उन्हें सिर्फ मुबारक के एक महीने में तकवा हासिल हो सकता है परहेजगारी मिल सकती है ये शहर ताहात है शहर इबादात है शहर का मतलब महीना है अरबी में और देखें कितनी सहूलियात तुम्हारे लिए रखी गई हैं कि शैतान के वसों से महफूज रखा गया कि तुम्हें महीना भर शैतान और उसकी ज़रूरीत से उसके हमलों से बचा कर रबतबार को तला ने इस महीने में रखा है तो अब मेरे अज़ीज़ों थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है ताकि हमारा दिल पाक हो जाए थोड़ी सी और मेहनत इसमें कर ली जाए तो इंसान का बातिन पाक हो जाए तकवा क्या चीज़ है और उसका हासिल करना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताऊं, तकवा का मतलब सबसे अहम चीज़ यह है अल्लाह का खौफ ये बुनियादी चीज़ है यह बुनियादी चीज़ है और ये अगर बुनियाद है तो हर अमल में आपके तकवा हासिल हो जाएगा नमाज़ क्यों पढ़ते हो नमाज एक ड्यूटी समझ करके पढ़ता है तो कोई मसला ही नहीं उसका यानी वो ड्यूटी अदा कर रहा है लेकिन नमाज में अगर खौफ ख़ुदा है अल्लाह के डर से पढ़ता है यही तकवा है रोज़ा क्यों रख रहा है सब मोहल्ले में रख रहे थे हमने भी रख लिया रोज़ा इसलिए रख रहा हो कि लोग बुरा ना समझें या इस्लाम का एक हिस्सा है इतनी ही नीयत थी तो फिर उसने रोज़े से कुछ हासिल नहीं किया लेकिन इसी रोज़े को अल्लाह के खौफ से रखा यही तकवा है तो खौफ खुदा अल्लाह का खौफ आ जाना हर अमल में यही तकवा है और अगर ये चीज़ नहीं है तो इंसान बहुत बड़े बड़े गुनाह भी कर जाता है उसे डर नहीं लगता रोज़ा छोड़ दिया उसे कोई खौफ ही नहीं है बल्कि धड़ले से लोगों के सामने कहता भी फिर रहा हो कि मुझे ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं यकीन नहीं है ये बातें उस जबान से आती हैं जिसके हाँ अल्लाह का खौफ है ही नहीं अल्लाह का डर नहीं इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाए लाकुम तक तुम पर रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम्हें तकवा मिल जाए अल्लाह का खौफ और ये कितनी अहम चीज़ है मैं आपको बताऊँ खौफ खुदा खौफ खुदा का मतलब कि अल्लाह का डर अल्लाह का खौफ ये तुम्हारी पूरी बॉडी को सही करता है अंदर से भी बाहर से भी खौफ खुदा तुम हर कदम पर अगर ये सोचते हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है जैसे कि आपको पता है हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा भी गया था। एहसान क्या है यानी नेकी किसको कहते हैं हुजूर ने फरमाया तुम नमाज़ ऐसी पढ़ो या इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो और अगर ये नहीं हो सकता तुमसे तो इतना इतना एहसास तो रहे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है तो हर अमल में तुम्हारे ये सोच आए कि मुझे मेरा रब देख रहा है तुम्हारे कदम संभल जाएंगे आज आप मस्जिद में बैठे हैं अदब से बैठे हैं हालांकि एक आधे घंटे के बाद जिस्म को फैलने की हाजत होने लगती है थोड़ा पैर फैला लूँ बीट को टेक दे दूं नहीं करते आप इसलिए कि आपको एहसास है कि इमाम साहब देख रहे हैं मुफ्ती साहब देख रहे हैं या फिर मजमे में लोग देख रहे हैं तो यहां पर हमारे देखने के एहसास से आपके पैर नहीं फैलते आप फैल के नहीं बैठते तो हम मियाँ ना सजा देने वाले ना जजा देने वाले हैं यही एहसास अगर अल्लाह के देखने का हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है तो फिर आपको किसी निगरानी की जरूरत नहीं कहीं किसी सीसीटीवी की जरूरत नहीं अल्लाह का खौफ अगर बंदे के दिल में आ जाए वह हर लम्हे हर घड़ी हर इलाके में महफूज रहता है अपने आप को महफूज रखता है मेरे अजीजों चार साल की उम्र है इमाम अहिलत फाजिल बरेलवी रहमतल्लामाम महमद रजा खान रमतल चार साल की उम्र में रोजा रख लिया गर्मियों की शिद्दत थी घराना इलमी घराना है बाप भी बड़े आम दीन, दादा भी बड़े दीन हैं चार साल की उम्र में रोज़ा तो रख लिया और जब थोड़ी दोपहर ढल गई अच्छे अच्छों की हालत धूप के दिनों में ख़राब होने लगती है तो शाम होने को करीब थी कि एक कमरे के अंदर दादा मोहतरम ने पोते को बंद कर दिया और कुछ फल फ्रूट सारी चीज़ें अंदर रख कर के दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया कहा बेटा खा लेना मैं किसी को बताऊंगा नहीं किसी को नहीं बोलूँगा चार साल की उम्र है तुम्हारा रोज़ा भी रहेगा खा करके थोड़ा पेट हल्का कर लेना तो ये दरवाज़ा बंद करके दादा मोहतरम चले गए काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो वो फल फ्रूट वैसे के वैसे ही बच्चा वैसे ही बैठा हुआ है इमाम अहमद रज़ा रम्तु ला चार साल की उम्र की बात कर रहा हूं दादा ने आकर पूछा बेटा खाए नहीं दरवाजा बंद कर लिया था तो चार साल की उम्र में मौलाना इमाम अहमद रजा कहने लगे खा तो लेता लेकिन हर घड़ी मेरा मौला तो देख रहा है जिसके लिए रोजा रखा वो तो देख रहा है यह है तकवा यह है खौफ खुदा कि अगर ये किसी के किसी के दिल में बैठ जाए उसे लोगों को देखाने की या लोगों के उसे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं मेरे अजीज़ वो तकवा हासिल करने का ये इतना बेहतरीन रास्ता है इतना बेहतरीन रास्ता है आप रोज़ा हैं किसको पता है मैं रोजा हूँ किसको पता है ये राज है मेरे और अल्लाह के दरमियान आप रोजा हैं ये राज है आपके और अल्लाह के दरमियान बहुत सारे मौके आपके पास हैं दिन भर में फजर से लेकर असर तक कई मरतबा वज़ू में जाना पड़ता है बाजाबतः आप कुल्ली कर रहे हैं आधा निकल जाते किसको खबर है या कहीं छुप करके कोई हल्की सी चीज़ चबा लेते किसको खबर है इसलिए कि ये अंदरूनी मामला है राज है आप खा रहे हैं पी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, ये कोई दूसरा नहीं कह सकता आपके और आपके अल्लाह के दरमियान ये राज है और आप बचे हुए हैं हलक सूखा है शाम के वक्त और पेड़ भी पीठ से लगने आ जाती है काम करने वाले जानते हैं कि शाम होते ही रोजे का असर किस कदर जाहिर होता है काम करने वालों को ज्यादा असर पड़ता है एसी में सोने वालों को रोजा कहाँ पता चलता है लेकिन उस वक्त भी वो न पानी का एक कतरा हलक में डालना चाहता है ना कोई चीज़ छुप करके चबाना चाहता है मुझे बताओ मेरे अजीजों क्यों अपने आप पर ये तकलीफ़ और अपने आप पर ये ज़्यादती कर रहे हो आपको अंदाज़ा होता है ये मैं ज़्यादती नहीं कर रहा ना ही अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहा हूँ ये मेरे रब की रज़ा है मैं इसी पर क़ायम हूँ इसी लिए फरमाया गया कि जब इफ़ारी का दस्तरखान बिछता है और पहले ही आकर के लोग बैठते हैं और ये सुन्नत भी है ऐसे नहीं कि भागते भागते आप आए वक्त हुआ खजूर लिए और खा गए इफ्तारी के वक्त से थोड़ी देर पहले बैठ जाओ तुम्हारे दस्तरखान पर नियामतें रखी हुई है। हैं फल भी हैं मेवाजात भी हैं कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं ठंडा शरबत भी है देखते हुए बैठे हैं आप लेकिन हाथ नहीं लगाते हैं इंतज़ार है वक्त का कि इधर सूरज के गुरूब होना है और मेरी इफ्तार होनी है ऐलान सुनते हैं अजान सुनते हैं उसके बाद आप उठाते हैं लेकिन उतनी देर तक आप खामोश बैठे हैं दस्तरखान के पास सारे लोग देखते रहते ये वो मंजर है जिसको फरमाया गया रब जुल जलाल भी अपने बंदों को देख रहा है रब तबारक व तआला भी देख रहा है अपने बंदों को और सारे फरिश्तों को बुलाकर मेरा मौला ऐलान फरमाता है ये मेरे बंदे हैं देखो ये शाम का वक्त है इनके हलक सूख चुके हैं इनके पेट में भूख की शिद्दत है और इनके सामने अच्छी नियामतें पड़ी हुई हैं अ फरिश्तों देखो मेरे इन बंदों में से कोई भी इन न्यामतों को हाथ नहीं लगाता यह सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए भूखे और प्यासे हैं और फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है तुम गवाह हो जाओ इनकी हलक तर होने से पहले इनके लिए मैंने जन्नत लिख दिया इसीलिए हदीस पाक में है जब इफ्तार करते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इर्शाद फरमाते وابطلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله प्यास बुझ गई रगें ठंडी हो गई और अजर अल्लाह के हाँ पक्का हो गया ये हुजूर पाक हर इफ्तार में अर्ज़ करते थे मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूं कि ये छुपी हुई चीज़ इसी का नाम तखवा है आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बचे हैं अल्लाह के खौफ से अब सुनो हदीस पाक। कयामत के दिन हिसाब और किताब होगा और जन्नत में जाने का परवाना कुछ लोगों को मिल जाएगा और सब जन्नत की तरफ जा रहे होंगे उसमें बहुत सारे लोग हैं जो पुल सिरात पर चल करके जन्नत पहुँचेंगे अब जब काफ़ी लोग जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचेंगे एक जमात ऐसी होगी जो पूरे रास्ते में कहीं नज़र नहीं आई जन्नत जाने के रास्ते में कहीं नजर नहीं आई लेकिन जन्नत के दरवाजे पर वो पहले से मौजूद थे चले थे नहीं चले थे किसी ने देखा ही नहीं दूसरे जन्नती उनसे पूछते हैं उस जमात से कि तुम यहां कैसे पहुंचे और ये इनाम किस बात का है तुम्हारे लिए तो वो जन्नती कहते हैं हमें रोजेदारों की जमात में रखा गया हमारे रोजे अल्लाह को पसंद आए और आज रब तबारकाल का हुक्म हुआ कि सारी दुनिया से छुप कर तुम मेरे लिए रोजा रखते थे दुनिया को पता नहीं था तुम भूखे हो पैसे हो और बंदो आज सारे लोगों की नजरों से छुपा कर मैं तुम्हें जन्नत पहुंचाऊंगा वो एक जमात ऐसी है जो रास्ते भर चलती हुई नजर तो नहीं आई लेकिन जन्नत में पहुंच गई वो रोजेदारों की है आज तकवा हासिल करने का सबसे बेहतरीन रास्ता और तकवा क्यों जरूरी है अब आपके रोजे से कुछ हासिल हुआ नहीं हुआ आपको देखना भी है ये नहीं कि कैलेंडर की तरह गिनते जाओ एक हो गया दो हो गए तीन हो गए होते जाएंगे ये दिन तो चलते रहते हैं गिनते गिनते बीस भी हो जाएंगे पच्चीस भी हो जाएंगे तीस भी हो जाएंगे रोजे गिनने का हुक्म नहीं अपने आप को सर्च करो फिर और फिर थोड़ी सी वर्जिश करने के बाद बंदा वेट तोल करके देखता है कम हुआ घटा कि बड़ा हर दिन देखता रहता है हाँ वर्जिश करने के बाद फिर नाप करके देखता है मेरे जिसम का वज़न कितना घटा कितना बड़ा वेट गेन करने वाले वेट लॉस करने वाले दोनों भी बराबर चेक करते रहते हैं रोज़ा रखने के बाद तुम्हें ख़ुद को भी चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर अब तब्दीली आई या नहीं आई एक रोज़ा रखा और फिर रात को तरावी में खड़ा हुआ मेरे अंदर बदलाव कितना है क्या अब अल्लाह की आयत कुरान की सुनता हूँ मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं अगर आ गए हैं तो इसका मतलब है कि दिल नरम हो गया इस इस रोजे ने असर दिखाना शुरू किया और फिर वैसे का वैसा है तो इसका मतलब है कि आपके रोजे से आपको तकवा नहीं मिल रहा है आपको तकवा नहीं मिल रहा खौफ़ खुदा जब आता है तो इंसान का दिल मोम हो जाता है नरम हो जाता है और अल्लाह के आजाबात से जहन्नम के खौफ़ से क़ब्र की सख्तियों से वो रो पड़ता है उसकी आँखें बहने लग जाती हैं और जब दिल सख्त होता है पत्थर की तरह तो उसे ना अल्लाह की आयतें रुलाती हैं ना आखिरत का तस्वूर उसे हिलाता है इसीलिए क़यामत के दिन के बारे में मैं आपको बताऊं नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की उम्मत की तरफ जहन्नम की आग शोले लप शोले लपकाते हुए बढ़ती आ रही होगी बहुत तेज़ी से करीब है कि वह जहन्नम की आग सबको अपने लपेट में ले ले वहाँ खड़े हुए बहुत सारे लोग अपने अपने आमाल का सदक़ा पेश करने लगे हाजी अपने हज पेश कर रहे हैं नमाजी अपने नमाज रोज़े अपने रोज़ेदार अपने रोज़े के जहन्नम हमारी ये नेकियों का सदक़ा रुक जा जहन्नम की आग बढ़ती चली आई बढ़ रही थी जिब्राइल अमीन आसलात तस्लिम हाजिर होते हैं बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम में एक पानी का प्याला उन्होंने पेश किया और कहा या रसूल अल्लाह वसल्लम ये पानी आप उस आग पर छिड़क दें नबी पाक सल अलैहि तलम ने वो पानी उस आग की तरफ फेंका तो आग दूर चली गई जो जहन्नम की आग अचानक बुझ गई काफ़ी दूर चली गई जो उम्मत की तरफ लपक रही थी रसूल रहमत सल अलैहि तसल् ने पूछा जिब्राइल से ये इतना असरदार पानी है कौन सा ये जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल आपके उन उम्मतियों के आंसुओं का पानी है जो रात खड़े होकर अपने अपने रब के खौफ से रोया करते थे वो अल्लाह के खौफ से थरथराते थे डर करके उनके आंखों से जो आंसू आते जिब्राइल अमीन कहते मैंने वो आंसू जमा कर रखे थे और वो आज मैंने आपके सामने पेश किया एक आंसू का कतरा जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफी है मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो गिरे थे अरक़ इनफ्याल के अजीज़ा निगराम वक़ार यही वह तकवा है यही वह खौफ ख़ुदा है जिसके मुतालिक अल्लाह क़ुरान में फरमाता है अल्लाक तक ताकि तुम्हें तकवा मिल जाए इसीलिए रोज़े रखे गए हैं रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं तुम्हारा दिल अगर सख्त का सख्त ही रह गया तो रोज़े असर नहीं कर रहे हैं रोज़े असर नहीं कर रहे और जाहिर सी बात है कामों में बरकत नीयत से होती है किसी भी अमल में बरक़त अच्छी नीयत से होती है अगर कोई रोज़ा इसलिए रख रहा है जैसे बहुत सारे फ़ायदे गिनाए जाते हैं ना रोज़ा रखने से कैंसर नहीं होता रोज़ा रखने से जिस्म के फासिद मादे ख़त्म हो जाते हैं निकल जाते हैं डॉक्टर्स भी मशवरा देते हैं महीने में एक मरतबा हफ्ते में एक मरतबा बॉडी को फ्री छोड़ना चाहिए तो ये तो जिसमानी फायदे तो रखे गए हैं लेकिन अगर तुम रोज़ा इस नीयत से रख रह रहे हो कि मेरी बॉडी सही होती रहे तो गोया कि तुम तो अपनी दुनिया भी गरज से रोजा रख रहे थे ये फायदे तो मिलना ही मिलना है ये फायदे यूं भी मिलेंगे अल्लाह ताला की तरफ से आपको लेकिन नीयत वो नहीं रोजा रखने की नीयत ये हो कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और मुझे रब तबारको ताला का खौफ और तकवा हासिल हो जाए नीयत में बरकत है और जिन कामों को आप अच्छी नीयत से करेंगे उसी तरह उन कामों में असर भी पैदा होगा रोज़ा रखने से पहले आज नीयत यही करें कि मौला ताला ये रोज़ा मेरे तमाम बुरे आमाल के लिए कफारा हो जाए ये ढाल बन जाए जानते हैं आप अपने नफ्स अम्मारा को रोकने का सबसे बेहतरीन आला भूख है भूख जितना आदमी भूख के ज़रिए से अपने नफ्स को मार सकता है दूसरी कोई चीज़ नहीं आप देखें इस मुबारक में बहुत सारी हलाल चीज़ें आपको हराम कर दी गई हैं यानी शहरी से लेकर इफ्तारी तक मैं ये नहीं कह रहा कि शराब पीना हराम है नशा करना हराम है वो तो पूरी ज़िंदगी भर हराम है लेकिन आपको चावल रोटी तो हलाल है ना सब्ज़े सेब फल, फ्रूट तो हलाल है लेकिन ये हलाल चीज़ें भी अल्लाह ने आप पर हराम रखी हैं रोज़े के आलम में नहीं खा सकते शहरी से लेकर इफ्तार तक ये हलाल लुकमें पानी तो हलाल है पाक है लेकिन आपके लिए रोजे के आलम में हराम है इसी तरह शादीशुदा मर्द अपनी औरत के साथ जिंदगी भर कभी भी जिमा कर सकता है रात में सो सकता है लेकिन हालत रोज़ा में वो हलाल काम भी हराम है हलाल काम भी हराम है अपनी औरत से जिमा करना हालत रोज़ा में क्यों रोका गया खाना पीना भी हलाल था औरतों के साथ शब्बाशी भी हलाल थी लेकिन रोजे के आलम में उन हलाल चीजों को रोका गया तो आप सोच सकते हैं इस चीज को सोच सकते वजह यह है कि हलाल चीजों से आपको रोक कर बड़े हराम चीजों से बचाना मकसूद है आज अगर अपने आप में इतना कंट्रोल कर लिए कर ले जाओ कि चंद हलाल चीजों से दिन भर बच सकते हो इंशाल्लाह रमजान के बाद बड़ी हराम चीज़ों से भी अल्लाह आपको महफूज रखेगा मेरे अजीजों बुरा है उन लोगों का बुरा है उन लोगों का बुरा है उन लोगों का जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए हिलाकत फ़रमाई इससे बदनसीब कोई हो सकता है जिनके लिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए हिलाकत हुई हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबोही शरीफ में तशरीफ़ ले जा रहे थे मिंबर पर आपने कदम रखा आमीन कहा फिर दूसरे जीने पर कदम रखा आमीन कहा तीसरे जीने पर कदम रखा आमीन कहा खुतबा मुकम्मल किया साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जीने पर आप कदम रखते हुए आमीन किस लिए कह रहे थे सुनो रसूल पाक अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब पहले जीने पर कदम रखा तो सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन आए और दुआ करने लगे क्या दुआ किया यूं कहा या रसूल अल्लाह वो शख्स हिला को बर्बाद हो जाए जो आपका नाम सुने और फिर उसके बाद दरूद न भेजे हजूर फरमाते मैंने आमीन कहा हजूर का नाम सुनते ही आपकी जुबानों पर दरूद आ जाना चाहिए अल्लास सईद ना महमद वसाबी वबारिक वसलम मेरे आका फरमाते दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने यूँ कहा यार रसूल अल्लाह वसल्लम वो शख्स हिला को बर्बाद हो जाए जो ज़िंदगी में अपने माँ और बाप में से किसी एक के बुढ़ापे को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर सका बल्कि उनको ऐसी ही छोड़े रखा ऐसा शख्स बर्बाद हो जाए हुजूर फरमाते मैंने आमीन कहा फिर जिब्राइल अमीन ने कहा तीसरे जीने पर कदम रखते ही मेरे आका फरमाते हैं जिब्राइल ने यूं दुआ की कि अल्लाह के रसूल वो शख्स हिलाको बर्बाद हो जाए जो रमज़ान का महीना पाया लेकिन उसका अदब नहीं कर सका इसका एहतराम नहीं कर सका हुजूर वरमाते मैंने उस पर भी आमीन कहा जिसकी हिलाकत के लिए जिब्राइल अमीन दुआ कर रहे हो और उस दुआ पर सैयदुल अंबिया आमीन कह रहे हो ऐसे शख्स की बर्बादी का क्या अंजाम हो सकता है वो कितना ही कितना बदनसीब होगा इसीलिए मेरे अजीजों मुसलमानों में ये रिवाज ही नहीं होना चाहिए कि उठ करके पूछते रहें रोजा है क्या नहीं है रोजा है कि नहीं मुसलमान है तो रोजा है और ये कोई ऑप्शनली इबादत नहीं है कि चार रख लिया दो नहीं रखा ऑप्शनली नहीं फर्ज आन है एक रोजे को छोड़ने का गुनाह फरमाया गया 600 साल तक उसे दो में रखा जाएगा 600 साल तक ये मामूली चीज़ नहीं है और जिनके पिछले रोज़े कज़ा हो चुके हैं माफ़ नहीं होंगे थप्पड़ मार लें गाल पे तोबा, तोबा कर लें माफ़ नहीं होंगे तोबा तो करने के साथ साथ कज़ा भी करना होगा जब मौका मिले साल भर में अपने छूटे हुए रोज़ों को वापस करना है इसकी अहमियत मैं आपको बता दूं एक रोज़ा अगर जानबूझ करके किसी ने तोड़ा या छोड़ा तो जानते हैं इसका कफारा क्या है इसका कफारा ये है कि इसके बदले में दूसरे दिनों में साठ रोज़े कंटिन्यू रखे रमज़ान का एक रोज़ा पूरा करने के लिए साठ रोजे रखने पड़ जाएंगे हाँ अगर किसी उज़्र की वजह से किसी तकलीफ़ की वजह से छोड़ा था बीमार था या सफ़र में था या तकलीफ़ की शिद्दत थी इस वजह से रोज़ा छोड़ा था तो उसके बदले में एक रोज़े की कज़ा एक ही रोज़ा होगी लेकिन बग़ैर किसी उसर के शहवत की वजह से नफ्स परस्ती की वजह से तोड़ा था या छोड़ा था तो फिर साठ रोज़े रखने पड़ जाएंगे इससे अंदाज़ा होता है कि एक रोज़े की अहमियत क्या है रमज़ान के इसीलिए मेरे अजीजों ये रोज़े आसान हैं रोजे आसान हैं इसको रख लो इसकी जजा बहुत बड़ी है इसकी जजा बहुत बड़ी वैसे भी आप दूसरे दिनों में लेट नाश्ता करने के भी आदी हैं मुंबई वालों का तो हाल ये ही है बारह बजे के बाद एक बजे दो बजे तो इनके नाश्ते होते हैं दोपहर का खाना तो शाम पाँच बजे हो रहा होता है बस वो नाश्ता स्किप करना है दोपहर के खाने जो आपके होते हैं उससे और थोड़ा एक्सटेंड कर लें तो इफ्तारी का वक्त आ जाता है कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं कोई बहुत बड़े बोझ की बात नहीं आसान है आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाँच साल छः साल के बच्चे रोज़ा रख लेते हैं तो बड़ों को तो अल्लाह ने जो ताकत अता है रोज़ा हरगिज तर्क मत करो लेकिन साथ में मैं आज ये मैसेज ज़रूर दूंगा, नीयत ये करो कि मुझे तकवा मिल जाए मुझे परहेजगारी मिल जाए और ये आपको खुद चेक करना होगा रोज़ाना रात को नमाज में खड़े हो जाओ तरावी के देखो कि कितनी तब्दीली आ रही है आज मैंने रोज़ा इफ़ार किया मेरे अंदर बदलाव आया कि नहीं आया और अगर नहीं आ रहा है कोई तब्दीली नहीं आ रही है तो इसका मतलब है आप तकवा नहीं हासिल कर रहे हैं आप तो रोज़मर्रा की रूटीन पर चल रहे हो रूटीन पर चलने का मतलब ये रोज़ा नहीं है रोजा तकवा देकर जाता है बंदे को रोज़ा खौफ खुदा दे जाता है बंदे को इसी मेरे अजीज़ों आज देखें आप बहुत सारी बुराइयों से रमज़ान में बच जाते हैं थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है हमने देखा है बहुत सारे घरों में बाकी अयाश घरों की मुझे कोई वो नहीं है उनसे कोई लेना देना नहीं लेकिन नॉर्मल मुसलमानों के घरों में भी होता ये है औरतें बच्चों को तरकी तल्कन करना शुरू कर देती हैं गाने बंद करो टीवी बंद रखो बहुत सारी चीज़ें बंद रखो कि रमज़ान आया हुआ है और रमज़ान में अगर टी वी लगा भी लिया तो कुछ इस्लामिक चीज़ें देखने लग गए माहौल तुमने खुद ही बदला है अपने घर में कुछ चीज़ों को आपने बदला है और कुछ चीज़ों का अदब आपने करना शुरू किया है इसी को और थोड़ी सी मेहनत के साथ बढ़ा लिया जाए कसम जल जलाल की हर बुराई रमज़ान में ही आपसे ख़त्म हो जाएगी जिसकी कोई चीज़ छूटने छोड़ने पर नहीं छूटती है वो रमज़ान में करके देख ले अल्लाह की बारगाह में याद करे कि मौला दिन भर में तेरी रज़ा के लिए बच रहा हूँ मुझे मेरी बाकी ज़िंदगी में इन गुनाहों से बचा ले वो रहमान है जब वो तुम्हें इसके बदले में जन्नत देता है तो यहाँ बुराइयाँ क्यों नहीं छोड़ो छुड़वाता यकीनन वो बुराइयों को तुमसे दूर करेगा कुरान का फरमान आली शानअुम तत्तकून इसी पर मैंने आपके सामने बात रखी है रोज़े इसलिए फ़र्ज किए गए हैं ताकि तुम्हें तकवा मिल जाए परहेजगारी मिल जाए बाज़ लोगों को देखा गया है मुबारक में भी वो अपनी बुरी हरकत से बाज नहीं आए उनकी रूटीन वैसी ही जारी रही नाऊज बिल्लाह नज़रों की खताएं भी बाकी रहीं और सबसे बुरी चीज़ ये है कि रमज़ान में शैतान की नियाबत अगर कोई कर रहा होता है तो तुम्हारा ये मोबाइल फ़ोन है अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि टाइम पास हो जाए रोज़ा का वक्त करीब आ जाए इस टाइम पास के चक्कर में तुम क्या क्या देखते रह जाते हो और कहाँ तक ये चीज़ें पहुँचाती हैं तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होता एहसास भी नहीं होता तो तुम्हारी रही सही इबादत को भी ये हज़म कर जाता है खा जाता है इसके इस्तेमाल पर अगर कंट्रोल है तो खूब इस्तेमाल करो लेकिन कंट्रोल नहीं है तो है नौजवानों इसका भी रोज़ा रखो इस इंटरनेट की बलाओं से महफूज हो जाओ इसलिए कि बहुतों को मैंने देखा है, उनके दिन भर और रात भर रमज़ान में सोशल नेटवर्क्स पर मसरूफियत वैसी की वैसी है जैसे दूसरे दिनों में थी वो रात भर चैटिंग में भी मसरूफ़ें हैं एक दूसरे को इधर उधर भेजने में भी मसरूफ़ है सारी चीज़ें जूं की तू चल रही हैं तो तुम्हारे मोबाइल ने तुम्हें तकवे से बहुत दूर रखा है तुम्हें रब तला के करीब होने नहीं देता अपने आप को बदल लो ज़ाहिर सी बात है ये सख्त चीज़ है अगर कोशिश करोगे तो बच जाओगे और तकवा इतनी आसानी से तो नहीं मिलता अपने आप को स्ट्रगल करो इन शह दिल पाक हो जाएगा फिर आपको अपनी जिंदगी के अंदर जो उजाले नजर आएंगे वो खुद आप महसूस करेंगे आप महसूस करेंगे गुनाहों के अंधेरों ने दिल पर ऐसी कालिक रखी है कि आपको कुछ भी यहां पर समझ में नहीं आता वरना नमाजों का लुत्फ ऐसा है कुरान का मजा ऐसा है जिसे ये लग जाए दुनिया की कोई नेमत उसके सामने हेच नजर आती है कोई चीज उसे अच्छी नहीं लगती लेकिन कब जब उसे तकबे का उजाला हासिल हो जाए मेरे अजीज अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ गो हूं मौला कदीर और जब्बार हम सबको को तकवा परहेजगारी अता फरमाए और हम सब के रोज़ों से अल्लाह ताला हमें परहेजगारी अता फरमाए इन रोज़ों के अनवार और बरक़ात और रमज़ान के एहतराम की हमें तोफी अता फ़रमाए मौला करीम तेरी खशियत से और तेरे खौफ से आँखें जो भीगती हैं उन आँखों में हमारा शुमार फरमा दे तेरे याद में रोने वाले बंदों में हम सब शामिल फरमा